सो अगेन वेलकम टू द व्लॉग। अभी हम लोग निकले हैं ऑफिस से, ऑफिस आज के लिए ख़त्म। अब जाएंगे अपने फ्लैट में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है इस टाइम, बट भी कह सकते हैं। और हाँ, इस व्लॉग में हम लोग इसका नाइट व्यू भी चेक कर लेंगे कि रात में कैसा दिखता है वीडियो क्वालिटी। अभी हम लोग फिर से 180p 60fps में शूट कर रहे हैं। और या मैंने लास्ट वीडियो चेक किया तो उसमें थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा था, और हाँ विंड ब्लास्ट का भी तो नॉइस आ रहा था। उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, देखते हैं। मैंने तो पहले वाले व्लॉग में ही बोला था एक दो व्लॉग्स लगेगा प्रॉपर, अगर प्रॉपर क्या बोले प्रॉपर एडिटिंग और प्रॉपर सब होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। नॉर्मलाइज जो भी है, अभी जा रहे हम लोग अपने घर। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त है, जा रहा है खेलाराम। आप उसको देख सकते हैं पीछे बैठा हुआ है, वो भी इंटरेस्टेड है यही कैमरा लेने में। मैंने भी उसको रिकमेंड किया है, लेट्स सी। अगर आपका बजट टाइट है और अच्छा एक्शन कैमरा लेना चाहते हैं तो यही बता लीजिए, वरना मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका थोड़ा पैसा होगा तो आप DJI Osmo लीजिए, Osmo 3। और अगर 3 लेना ही है तो आप एडवेंचर कॉम्बो लीजिए। रीज़न एक ही है कि आपको 3 एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगा, क्योंकि एक्शन कैम में ज़्यादा देर बैटरी नहीं रहता, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स। तो अगर आपके पास 3 एक्स्ट्रा बैटरी होगा तो आपको पास लगभग 4 घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम रहेगा। आपको बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा, और उसका चार्जिंग का थोड़ा सिस्टम भी डिफरेंट है। वो ऑलरेडी उसमें प्रोवाइडेड ही आता है, एक केस आता है, केस के अंदर 3 एक्स्ट्रा बैटरी रहता है, मेरे दोस्तों ने ख़रीदा है। लग रहा है बारिश होगा। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया था कि आपका ये जो बैटरी मॉड्यूल है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो अगर बारिश स्टार्ट हो जाए तो आप बेटर होगा कि आप इसको अंदर ही रख लीजिए बैटरी मॉड्यूल को। लेकिन हाँ, तब आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब माइक आपको कैमरा मॉड्यूल का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र कैमरा मॉड्यूल ही वाटरप्रूफ है। और आप लोग केस खरीद सकते हो, केस इसके साथ आता है मतलब अलग से, लेकिन मेरे को तो लगता है केस बकवास है। केस में खोलो लगाओ बहुत झमेला है, उससे तो मेरे को तो यही सही लगता है। अभी मैंने माइक का थोड़ा प्लेसमेंट चेंज कर दिया है, मैंने उसको हेलमेट के एकदम चिन के साइड में रखा है, जिससे ज़्यादा नॉइज ना आए। लेट्स सी कैसा होता है, उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, घर जाकर टेस्ट करेंगे।
और आई मीन चेक करेंगे कि विंड ब्लास्ट का कैसा साउंड असर कैसा पड़ा। लेकिन हाँ, प्रीवियस व्लॉग में जो देख रहा था, मतलब प्रीवियस जो भी है उसमें चेक कर रहा था कि नॉइस सप्रेशन काफ़ी सही है और हाँ माइक सही है, माइक सही है, बस थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अभी तो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड में चल रहा है, धीरे धीरे फिक्स कर लेंगे। बाय द वे खेला राम, आपको ये माइक कैसा लग, ये कैमरा कैसा लग रहा है? कैमरा बहुत ही अच्छा है, इसका व्यू बहुत सही है। सो मेरे दोस्त खेला राम को ये काफ़ी सही लगा, वो भी नया बाइक खरीदा है, अब वो भी हम लोग का राइडर्स ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, हम दोनों मिलके काफ़ी जगह घूमने जाएंगे बाइक से ही। तो या सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वो राइड भी आप लोग चेक करना चाहते हैं। तो हम लोग लगभग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन। हम लोग को आने में एक्चुअली में 18 मिनट्स लगता है, कभी कभी 10 मिनट में भी पहुंच जाते हैं अगर ट्रैफिक नहीं रहता तो। पर या ये था इसका नाइट टेस्ट, अब तो पता नहीं कैसा आया होगा, होपफुली सही आए। या एक्सपेक्टेशन तो है कि क्वालिटी सही आएगा नाइट व्यू में भी। इस साइड का रोड थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, अभी यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। उस हिसाब से तो कोलकाता मेट्रो भी बहुत साल से हो ही जा रहा है, अभी तक तो कोई नहीं पता, पता नहीं जो भी है, उन सब बात में मिट्टी डालो और व्यू का ना दीजिए। खेला राम का डेस्टिनेशन हम लोग आ गए, अभी मैं यहाँ पर खेला राम को छोड़ूंगा और मैं अपने रूम जाऊंगा। खेला राम आपका आ गया डेस्टिनेशन, आप हमारे सब्सक्राइबर को जो अभी तक नहीं हुए हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, आपके मोबाइल में पहली बार आया है तो नीचे में जो बटन दिख रहा है ना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में थम्स अप का जो बटन है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने आस पास जो आपके जिसको आप जानते होंगे उनको शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, किस तरह और अच्छा बनाया जाए। खेला मेरे दोस्त खेला ने कहा कि कमेंट ज़रूरी है, तो या आप लोग का कमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके क्वालिटी को कितना बेटर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना लाइफ के यही छोटे मोटे पल आप लोग के साथ शेयर कर सके।
क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छा ही लगता है, राइट। जो भी है, मैं भी पहुंच गया लगभग, काफी बच्चे घूम रहे हैं इधर। काफी सही हरियाली है इधर, हरियाली हरियाली। ये जगह बहुत खतरनाक है। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर, उसके बाद मेरा हैंडल बेंड हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर एकदम हॉर्न मारते मारते जाता हूँ, जिससे सबको पता चले कि मैं आ रहा हूँ। जो भी है, मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया, अब मैं रखता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सावधान रहिए सब लोग, सतर्क रहिए, और जय हिंद।